हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो हाइड्रोजन की एसिडिटी होती है उसके बारे में। और ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होता है, दैट इज नेम रिएक्शन। एंड इसके अलावा भी हमारे पास ऑर्गेनिक में कई सारी ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर मेरे पास रिएक्शन प्रोसीड होती है एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके, राइट। तो उस चीज के लिए हमें जो है हाइड्रोजन की एसिडिटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे एग्जाम और मेरे सिलेबस के लिए, चाहे आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हो या फिर आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर जगह कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो हाइड्रोजन की एसिडिटी है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास देखने को मुझे मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी नेम रिएक्शन ऐसी है, जैसे कि एल्डोल हो गई, कैनिजारो हो गई, रिफॉर्मेट्स की हो गई, नोवेंजल हो गई, ठीक है, विटिग रिएक्शन हो गई, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जहां पर मेरे पास जो है सबसे पहला स्टेप ही ये होता है कि अल्फा हाइड्रोजन यानी कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करो। अब मेरे पास दिक्कत क्या आती है, अगर मुझे आइडिया है कि मेरे पास जो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है कार्बन कंपाउंड्स में वो एसिडिक होता है, उसके बावजूद कई बार हम जो है गलती कर देते हैं। और गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि मेरे पास एक से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड सिस्टम मेरे पास जो है मेरे को सब्सट्रेट में देखने को मिल जाते हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो उसी चीज के बारे में आज हम की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सबसे बेसिक से बात करते हैं हम। सबसे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि मेरे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक क्यों होता है, ठीक है, और कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक देखने को मुझे मिलता है। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने सबसे एक सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया एसीटोन, ठीक है, इसके सामने मैंने एक बेस प्रोवाइड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, बेस क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एच पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ब्रोंस्टेड एसिड बेस को लेके ही बात करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है मेरे पास, ये बेस की तरह ट्रीट करेगा और इस हाइड्रोजन को जो है, इस अल्फा हाइड्रोजन को, देखिए कौन सा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कैसे है, मेरे पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, उसके जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा एंड उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हाइड्रोजन है, ये मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। मेरे पास बेस जो है इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सबसे पहली बात जो आपको जाननी है। और क्या बना देगा मेरे पास यहां पे, कार्बन आयन बना देगा। अब क्या बना देगा मेरे पास यहां पे, कार्बन आयन बना देगा। अब देखिए मैंने आपको जीओसी करवाई थी, जीओसी में एसिड बेस जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कौन कितनी आसानी से एच पॉजिटिव लूज कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास जो एनायन बना है एच पॉजिटिव लूज करने के बाद वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज है। अगर उसके अंदर इसके पास कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर ही नहीं है तो वो किसी भी हाल में जो है एच पॉजिटिव लूज नहीं करेगा। लेकिन यहां पर देखिए यहां पर हो क्या रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बोनिल ग्रुप के माइनस एम इफेक्ट के कारण, इस कार्बोनिल ग्रुप के माइनस एम इफेक्ट के कारण कह लीजिए या फिर कह लीजिए रेजोनेंस के कारण, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहा है। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा और ये यहां पर चला जाएगा मेरे पास और क्या बन जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या कहते हैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, हम इनोलेट आयन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास ये इनोलेट आयन, क्योंकि बहुत सारी जो नेम रिएक्शन है वो इसी इनोलेट आयन के इर्द गिर्द घूम रही होती है। इनोलेट आयन की केमिस्ट्री हमारे पास पूरी एक अलग चैप्टर बन जाता है जिसमें एल्डोल, मैनिक, नोवेंजल, विटिग रिएक्शन, कैनिजारो, डार्जन, फेवोर्स्की, बहुत सारी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और ये इनोलेट आयन बन जाता है। तो मान लीजिए अब इसके सामने मैंने क्या कर दिया, एक और कार्बोनिल कंपाउंड प्रोवाइड कर दिया। मान लीजिए यहां पर मैंने एक और कार्बोनिल कंपाउंड प्रोवाइड कर दिया या फिर यहां पे जो है डिफरेंट सबस्ट्रेट देके, यहां पर डिफरेंट सबस्ट्रेट देके हमें डिफरेंट रिएक्शन कराई जाती है। अगर मैंने यहां पे कार्बोनिल दे दिया होगा तो इसी को हम क्या कह देंगे, यहां पे हम एल्डोल कह देते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, अब एल्डोल कह देते हैं। होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा मेरे पास और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहां पर जाके अटैक कर देगी और मेरे पास जो है फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन जो है या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक क्यों होता है। अब नेक्स्ट बात मेरे पास क्या है कि मेरे पास मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मान लीजिए एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, एस्टर प्रेजेंट है, अमाइड प्रेजेंट है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ये देख के कि कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करूं। समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास एक इस टाइप का सबस्ट्रेट गिवन है,
ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या दे दिया, बेस प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया, बेस प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं बात करूं इस बेस की, तो इसका काम क्या है मेरे पास, एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना। इसका काम क्या है, एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना। अगर मैं एच पॉजिटिव की बात करता हूं, तो एच पॉजिटिव कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा में प्रेजेंट होगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए, एक हाइड्रोजन यहां पर ये है, एक हाइड्रोजन यहां पर ये है, और एक हाइड्रोजन मेरे पास यहां भी देखने को मिल रहा है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा हाइड्रोजन जो है मुझे एब्स्ट्रैक्ट करवाना है, कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करवाना है। इसी को हमें क्या क्या, इसी को लेकर आज की वीडियो में हमें बात करनी है, इसी को लेकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का मेन मोटिव, कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट एसिडिक है, राइट। तो देखिए, मेरे पास सबसे पहले आपको जो है सबसे पहले आपको यहां पर जो है अगर जानना है, तो आपको जीओसी का आइडिया होना चाहिए, ग्रुप के इफेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए, कब रेजोनेंस लग सकता है, कब मेरे पास इंडक्टिव लगता है, माइनस आई क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, तभी आप इनको जो है अपने आप से अपने अकॉर्डिंग जो है डोमिनेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं कंपेयर करता हूं एल्डिहाइड और कीटोन को, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एल्डिहाइड और कीटोन को लेके, तो ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है जिसके पास मेरे पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये मेरे पास एक कीटोन है, यहां पे मेरे पास ये एक कीटोन है जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मैंने यहां पे एक बेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और मुझसे पूछा जाए कि बताओ ए है मेरे पास और एक बी है, इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, एक ही मेरे पास बेस का मॉलिक्यूल गिवन है, तो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा, एल्डिहाइड के अंदर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा या फिर मेरे पास कीटोन में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि मेरे पास यहां पर जो एनायन बनेगा, मेरे पास यहां पर जो एनायन बनेगा वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एनायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आपको हमेशा देखिए कंपेयर हमेशा उस चीज के साथ किया जाता है जो डिफरेंशिएट हो रही हो, जो सेम चीज बन रही हो उसमें तो कंपैरिजन करने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो देखिए यहां पे ये वाला पार्ट जो है वो सेम है, यहां पे दोनों ही मॉलिक्यूल में ये वाला पार्ट मेरे पास सेम है, तो इन दोनों पार्ट से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो पार्ट अलग है और जो पार्ट एसिडिटी डिसाइड करेगा वो क्या है मेरे पास, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर CH3 ग्रुप। अब देखिए, मुझे पता है हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ना तो इंडक्टिव इफेक्ट, ना मेसोमेरिक, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इसको मैं क्या मानता हूं हमेशा, इसको मैं एक रेफरेंस लेके चलता हूं, हाइड्रोजन को मैं एक रेफरेंस लेके चलूंगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं इस मिथाइल ग्रुप की, तो इस मिथाइल ग्रुप में मेरे को पता है CH3 क्या शो करता है, CH3 हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्लो कराएगा अपने से दूर। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास, यहां पे CH3 जो ग्रुप मेरे पास है, यहां पे ये CH3 ग्रुप जो है, यहां पे इस कार्बोनिल कंपाउंड को, इस कार्बोनिल ग्रुप को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब ये इसको अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो मुझे पता है कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मुझे देखने को मिलता है, राइट। अब देखिए यहां पे मिथाइल ग्रुप कर क्या रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को, इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहा है, कैसे, बाय प्लस आई इफेक्ट। अगर इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो ये नेगेटिव चार्ज उतना ही कम रेजोनेंस में जाएगा, क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, पॉजिटिव डेंसिटी चाहिए। अगर सामने से इसको पॉजिटिव डेंसिटी ही नहीं मिलेगी, तो ये क्या वहां पर जाकर करेगा। लेकिन यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इसको पॉजिटिव डेंसिटी प्रोवाइड कर रही हो, तो यहां पे मुझे समझ में आ गया कि यहां पे पॉजिटिव डेंसिटी कम है, यहां पे पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा है, तो मेरे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा फास्ट, ज्यादा अच्छे तरीके से रेजोनेंस में जा पाएगा एज कंपेयर टू कीटोन। और इसी वजह से अगर मेरे पास एक बेस का मॉलिक्यूल गिवन है और एल्डिहाइड और कीटोन में मुझसे पूछा जाए बताओ कौन अपना हाइड्रोजन जो है देगा, या फिर मुझसे कहा जाए बताओ कौन सा हाइड्रोजन जो है ज्यादा एसिडिक देखने को मिलेगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि मेरे पास जो है ए वाला मॉलिक्यूल, यानी कि एल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल के, मेरे पास मान लीजिए कोई एक प्लस एम शोइंग ग्रुप है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई प्लस एम शोइंग ग्रुप हो जाएगा, एक सी मॉलिक्यूल और ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास यहां पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 हाइड्रोजन है, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, OET लगा दिया, एक
ओ एक एस्टर ग्रुप लगा दिया, पूरा क्या हो गया मेरे पास, एक एस्टर हो गया, राइट। यहां पर ये एल्डिहाइड था, ये कीटोन था, अब मैं बात कर रहा हूं एस्टर को लेके। तो यहां पे अगर मैं बेस का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करूंगा, यहां पे अगर मैं बेस प्रोवाइड करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन सब में जो है हाइड्रोजन तो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कंपेरिजन की, कि कौन ज्यादा अच्छे से हाइड्रोजन डोनेट करेगा, कौन फास्ट देगा, या फिर कह लीजिए कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक देखने को मिलेगा, राइट। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाके अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। लेकिन अब की बार देखिए इन तीनों में ये वाला कॉमन फैक्टर अभी भी, इन तीनों में अभी भी ये कॉमन फैक्टर है, इसलिए मैंने सारे सेम मॉलिक्यूल लिए हैं ताकि मैं आपको एक कॉमन फैक्टर के को बाहर निकाल कर जो फैक्टर डिफरेंशिएट कर रहा है एसिडिटी को उसके साथ कंपैरिजन करवा सकूं। तो देखिए यहां पर अब की बार भी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाके अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, लेकिन दिक्कत अब की बार क्या हो गई, मेरे पास एक ओईटी ग्रुप है, मेरे पास एक OET ग्रुप है। तो अब आप कह दोगे सर OET जो है ऑक्सीजन जो है वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। OET क्या शो कर देगा, माइनस आई इफेक्ट शो कर देगा। ये बात सबको पता है, GOC बहुत अच्छे से करवाई है मैंने आपको सारे इफेक्ट टाइम लगा लगा के, तो इस बात में तो गड़बड़ करना मत। लेकिन 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 हमें ये पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या शो कर सकता है, प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा। और हमें पता है एक्सेप्ट हैलोजन हमेशा ही मीजोमेरिक इफेक्ट जो है डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है डोमिनेट कर जाएगा मेरे पास माइनस आई इफेक्ट को। मीजोमेरिक कौन सा है, प्लस मीजोमेरिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो। मीजोमेरिक में अगर दो होते हैं ना, एक प्लस एम इफेक्ट एक माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, माइनस एम जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहां पर कौन सा लग रहा है, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यानी कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर प्रोवाइड करके इस तरीके से ये भी जाना चाहेगा। तो अब मेरे पास जो CH2 नेगेटिव है, जो कार्बन आयन है, उसके पास कंपटीशन क्रिएट हो गया, क्या, रेजोनेंस में जाने का। OET कहेगा मैं रेजोनेंस में जाऊंगा, CH2 नेगेटिव कहेगा मैं रेजोनेंस में जाऊंगा। तो इस वजह से मेरे पास जो है ये क्या करते हैं, बारी बारी से रेजोनेंस में जाते हैं, इसके पास कंपटीशन अच्छा खासा क्रिएट रहता है, और इसी वजह से इसका जो हाइड्रोजन है वो और कम एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके हाइड्रोजन जो है वो तो मेरे पास कंप्लीटली रेजोनेंस में जा रहे थे, इन दोनों में फर्क कहां था, इसका जो है ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस में जा रहा था, इसका कम अच्छे से रेजोनेंस में जा रहा था। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पर तो मेरे पास CH2 नेगेटिव जो है वो कभी कभार ही रेजोनेंस में जा पाएगा, प्रॉपर रेजोनेंस ही शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास एक कॉम्पिटिटर प्रेजेंट है OET जो खुद भी रेजोनेंस में जाना चाहता है, राइट। ये बात समझ में आ गई, तो यहां पर मेरे पास इसकी एसिडिटी जो है कीटोन से भी कम हो जाएगी। तो एसिडिटी की मैं बात कर रहा हूं अभी तक तो A की सबसे ज्यादा है, फिर B की है, फिर मेरे पास C की देखने को मिल रही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, कि मेरे को अगर नेक्स्ट ग्रुप की कंपैरिजन करनी हो तो यहां पे मेरे पास, यहां पे क्या था, यहां पे मेरे पास प्लस आई इफेक्ट था, यहां पे डोमिनेटिंग में मेरे पास क्या था, प्लस एम इफेक्ट मेरे पास यहां पे डोमिनेटिंग में था। अब मैं अगर बात करता हूं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, तो मान लीजिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल में एक अमाइड दे देता हूं मैं आपके बारे में, क्या करता हूं अमाइड दे देता हूं और पूछता हूं इन तीनों के साथ कंपेयर करो। तो अगर मैं अमाइड की बात करूं तो यहां पे मेरे पास जो है CH2 और हाइड्रोजन होगा, यहां पे क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, ठीक है। इसके सामने मैंने क्या कर दिया, बेस प्रोवाइड कर दिया और मुझे कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन अगर मैं करूंगा तो यहां से हाइड्रोजन लॉस होगा, सबको ये बात पता है, इतना तो समझ में आ गया होगा, क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे NH2 है। अब मुझे पता है नाइट्रोजन का कौन कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है मेरे पास, माइनस आई और प्लस एम दोनों देखने को मिलेंगे, और हमेशा क्या करेगा, प्लस एम डोमिनेट कर जाएगा। तो नाइट्रोजन मेरे पास जो है वो भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है प्लस एम इफेक्ट से, कार्बन आयन भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डोनेट करके रेजोनेंस में जाना चाहता है ताकि अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। तो अब मेरे पास दिक्कत यहाँ पर क्या है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पर भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा था, यहाँ पर भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा था, यहाँ पर भी लोन पेयर के कंजुगेशन का पार्ट थे, यहाँ पर भी लोन पेयर कंजुगेशन का पार्ट थे। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इन दोनों में, अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक होगा, तो वो कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा, जिसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो ग्रुप जो है ज्यादा लोन पे डोनेट करेगा। और अगर वो ज्यादा ग्रुप लोन पे डोनेट करेगा तो कार्बन आयन जो है और ज्यादा कम मेरे पास रेजोनेंस में आ पाएगा, तो और ज्यादा कम स्टेबलाइज हो पाएगा। और मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में, जिसकी वजह से प्लस एम इफेक्ट जो है
जिसकी वजह से प्लस एमिटर जो है नाइट्रोजन का ज्यादा होगा मेरे पास ऑक्सीजन के कंपेयर में, यानी कि मेरे पास नाइट्रोजन जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से मेरे पास यहाँ पर कंजुगेशन का पार्टिसिपेट करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को जो है और कम और ज्यादा दिक्कत देगा, इसको रेजोनेंस में आने ही नहीं देगा, और इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा कि मेरे पास जो डी है, जो मेरे पास डी है उसकी मेरे पास जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की, या फिर कह लीजिए उसकी जो एसिडिटी है कार्बन आयन की, वो और कम देखने को मुझे मिल जाएगी। इतना सबको समझ में आ रहा है? इतना सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, दैट इज एसिड क्लोराइड। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एसिड क्लोराइड मॉलिक्यूल है मेरे पास, मान लीजिए एसिड क्लोराइड है, तो चलो एसिड क्लोराइड की जगह एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसी बात बताई नहीं है जो आपको ना आए। अगर आपने मेरी जीओसी की वीडियो देखी है ना, तो अच्छे से एक चीज समझ में आ रही होगी एकदम क्लियरली, ठीक है, और अगर नहीं देखी है तो भी क्लियरली समझ में आ रही होगी, क्योंकि इंडक्टिव और जो मैंने भी कहा तो आइडिया सबको रहता ही है, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ एक मॉलिक्यूल की, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है इस टाइप का CH2, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल है, और इसको कहा गया है मुझे कि कंपेयर करो एल्डिहाइड के साथ, कंपेयर करो एल्डिहाइड के साथ, ये एल्डिहाइड है, ये मेरे पास एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पे मुझे क्या दे दिया, मुझे यहाँ पे बेस दे दिया, सॉरी है तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया हुआ मैंने, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया फ्लोरीन, मुझे कह दिया बेस बता दिया है मैंने एक ही मॉलिक्यूल, बताओ कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर कौन सा कहां पर मेरे पास कार्बन इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, बना के देखिए, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले बना के देखना है कि मेरे पास कहां पर क्या बन रहा है, आपको सबसे पहले बना के देखना है कि मेरे पास यहाँ पे कहां पे क्या बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये चीजें बनेगी। अब आपको क्या करना है पहचानने के लिए, एसिडिटी पहचानने के लिए, अब आपको क्या करना है, आपको जो है फैक्टर्स देखने, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि मेरे कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, आपको ये चीज देखनी है कि कौन से फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं दोनों में, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए इसका रेजोनेंस लग रहा है, इसका मेरे पास रेजोनेंस लग रहा है, और इस फ्लोरीन का मेरे पास क्या लग रहा है -5 लग रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्या लग रहा है सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास दो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, पहला तो क्या रेजोनेंस और दूसरा -I, क्योंकि -I क्या करेगा इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, कम डिस्पर्स कर देगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है, या फिर हमें ये बात तो पता ही है कि -I फैक्टर जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज ही करते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे और उतना ही ज्यादा ये स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I फैक्टर लगा रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे दो फैक्टर है स्टेबलाइजिंग के, यहाँ पे एक फैक्टर है स्टेबलाइजिंग का, इसी वजह से मेरे पास जो है अगर इसको मैं ए नाम दूं, इसको मैं बी नाम दूं, तो मेरे पास जो है ए ज्यादा एसिडिक होगा बी के कंपेयर में, ए मेरे पास ज्यादा एसिडिक होगा बी के कंपेयर में। इतना सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, इसके सामने मुझे बेस दे दिया। अब पूछा हुआ है मुझसे, बताओ ये हाइड्रोजन कहां से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि रिएक्शन आपको स्टार्ट करनी है। अगर मैं बात करूं ये कौन सा सब्सट्रेट है, इन्हें क्या कहते हैं हम, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, ठीक है। और ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड मेनली किसमें यूज होते हैं, हमारे पास नोवेंजल कंडेंसेशन में यूज होते हैं, हमारे पास एक नेम रिएक्शन होती है नोवेंजल कंडेंसेशन कार्बन कंपाउंड की, उसमें यूज होते हैं मेरे पास एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। मुझसे पूछा हुआ है बताओ आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी है, बेस दे दिया और इसके सामने मेरे पास मान लीजिए एक और सब्सट्रेट दे दिया, मान लीजिए मेरे पास CH3CH2 दे दिया, मेरे पास एग्जाम में रिएक्शन ही आ गई है कि इस मॉलिक्यूल के सामने बेस है और यहाँ पे मेरे पास एक एल्डिहाइड दे रखा है सामने, तो मुझसे पूछा हुआ बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट तक तो आप तब पहुंचोगे जब आपको ये पता चलेगा कि मेरे पास इस सब्सट्रेट के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, ठीक है, इन तीनों में से आप कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यू तो है दो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक ही होएगा एक बारी में तो, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं एक बार मान के चलिए मैंने एक एक करके तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो एक बार यहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, ठीक है। तो ये और ये नेगेटिव चार्ज तो सेम है, देखो सेम है, मेरे पास एकदम इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, दोनों का स्ट्रक्चर साइड स्ट्रक्चर सेम है, तो एक बार इसको तो हटा दो,
क्योंकि ये और ये सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको भी हटाने पर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेफरेंस में जाकर स्टेबलाइज हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेफरेंस में जाकर स्टेबलाइज हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे मेरे पास इस ग्रुप की, तो यहां पे मेरे पास अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज बना दूं मैं हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके, तो यहां पे क्या होगा मेरे पास, यहां पे मेरे पास ये यहां पर भी जाके स्टेबलाइज हो सकता है रेजोनेंस के थ्रू, और ये मेरे पास जो है यहां पर भी जाके स्टेबलाइज हो सकता है रेजोनेंस के थ्रू। यानी कि यहां पर मेरे पास जो है दो ग्रुप प्रेजेंट है जो जो इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी कि ये वाला कार्बन ग्रुप भी इसको स्टेबलाइज करेगा और ये वाला कार्बन ग्रुप भी इसको स्टेबलाइज करेगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा, और इसी वजह से मेरे पास जो है ये वाला हाइड्रोजन जो है मेरे पास ये वाला मोस्ट एसिडिक होगा, और यहां से ही मेरे पास फर्दर रिएक्शन प्रोसीड ऑन होगी। अगर मैं आपको बताऊं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए कार्बन कंपाउंड की केमिस्ट्री में इतना तो कुछ खास होता नहीं है, सब में सेम सा मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो यहां पे क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा बेस की प्रेजेंस में, यहां पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा स्टेबलाइज होने के लिए मेरे पास, और यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां पे इस तरीके से इनोलेट आयन बन जाएगा। अब यहां पे मेरे पास क्या आएगा, ये वाला जो मेरे पास एल्डिहाइड दे रखा है ये आएगा, यहां पे क्या है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे ये आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जब यहां पे आएगा तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहां पे मेरे पास ये O नेगेटिव फॉर्म में बन जाएगा। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल मुझे देखने को मिल जाएगा, कार्बन O नेगेटिव मेरे पास यहां पे CH3, ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरे पास, जो बेस है मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था OH नेगेटिव लिया था, ये OH नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बन जाएगा H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये H2O जो है इसको फर्दर स्टेप में क्या दे देगा, अपना हाइड्रोजन जो है वापस दे देगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप में बेस आएगा दोबारा, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास बेस आएगा, यहाँ पे देखिए अभी भी एक हाइड्रोजन परसेंट है, यहाँ पे अभी भी एक हाइड्रोजन परसेंट है, कैसे देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 1, 2, 3, यानी कि एक वैलेंसी कम थी, तो वैलेंसी को हम किससे कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन से, तो यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और परसेंट है, तो ये हाइड्रोजन के बाद एक्सट्रैक्ट होगा, ये हाइड्रोजन के बाद दोबारा एक्सट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे मेरे पास जो है ये हाइड्रोजन जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, जब मैं इसको हीट दूंगा तो यहाँ पे ये इसके साथ जाके इस ग्रुप को निकाल देगा, और मेरे पास इसका जो लोवेंजर कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस चीज के लिए, ये कारनामा करने के लिए, ये स्टेप से यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या जरूरत थी, ये जानना कि मेरे पास कौन सा हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है। सारे फैक्टर्स आपको मैंने बता दिए हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं ये जानने में कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। अब चलिए कुछ बात करते हैं क्वेश्चंस को लेके, अब बात करते हैं क्वेश्चन को लेके कि आपको ये बताना है कि बताओ इन गिवन सब्सट्रेट के अंदर कौन सा हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, तो यानी कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्ट होगा मेरे पास। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन क्या लिया था, मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे पास, तो मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है। तीसरे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहां पर क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इनमें बताना है मुझे, बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा। तो यहां पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले काम आपको वो सारे के सारे हाइड्रोजन शो ऑन कर लेने हैं जो आपको लगता है कि जो एसिडिक हो सकते हैं, जो निकल सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, और ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, मेरे पास तीन हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे निकल सकते हैं। तो देखिए ये वाला हाइड्रोजन तो कंफर्मली नहीं निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन तो नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो है, सॉरी यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, मेरे पास यहां पे इस कार्बन का प्लस आई इफेक्ट लगेगा इस कार्बन आयन के ऊपर, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो यहाँ पे भी मेरे पास एक कार, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है जो कि इंडक्टिव फ्रैक्शन को डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो कार्बन आयन बनेगा वो किसी भी फैक्टर से डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास ये कार्बन आयन बन जाएगा। और वैसे भी आपने सुना होगा प्राइमरी कार्बन आयन जो है सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अगर मैं यहाँ पे कार्बन आयन बनाता तो कैसा होता, सेकेंडरी। यहाँ पे कार्बन आयन बनाता तो कैसा बनता मेरे पास, सेकेंडरी बन जाता। तो इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे ये चीज देखने को मुझे मिल रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास एक ये वाला हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन करना है। तो हमेशा याद रखना मेरे पास एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जो होते हैं उनके हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक मुझे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये चार्ज, यहाँ पे मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो है सबसे एसिडिक होगा, क्योंकि आप ये कहोगे सर ये वाला रेजोनेंस कर जाएगा इसके साथ, ये वाला रेजोनेंस कर जाएगा तो ये वाला एसिडिक क्यों है। अरे मान लिया ये वाला रेजोनेंस कर जाएगा, लेकिन आपको ये भी तो दिख रहा है ना कि अभी भी इस हाइड्रोजन के पास यहाँ पर तो कंफर्म नहीं जाएगा ही जाएगा, यहाँ पर तो कंफर्म नहीं जाएगा ही जाएगा, लेकिन कभी कभार यहाँ पर भी तो जाया करेगा ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास दो बार दो जगह रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन इसके पास तो खाली एक ही जगह है रेजोनेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से अपना शो करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सेम दिख रहा है मुझे, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, ये वाला हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे मेरे पास ये एक हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन की बात करता हूं तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक तो रेजोनेंस में जाएगा और दूसरा मेरे पास माइनस आई इफेक्ट लगेगा मेरे पास किसका, फ्लोरिन का। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ज्यादा एसिडिक मुझे देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज की वीडियो के बारे में जिसमें हमने बात की है एसिडिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड को लेके। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी जाके आप मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सर थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।